नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों और साथियों, मैं विवेक सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है PCS मंत्रा बाई डॉक्टर विवेक। हमारा फोकस UPSC सिविल सेवा और हिंदी भाषी राज्यों की PCS परीक्षाएं हैं, लेकिन हमारे लेक्चर हर सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है क्योंकि हमारे चैनल पर विज्ञान विषय, गैर विज्ञान विषय या इनके करेंट अफेयर्स हर विषय के लेक्चर उपलब्ध हैं। इसलिए अपनी संपूर्ण तेज सटीक तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेक्चर अपलोड होते ही तुरंत जानकारी मिल सके। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का प्राचीन इतिहास के अंतिम कक्षा में, जहां तक 24 सितंबर से पहले की बात है। थोड़ी सी चीज़ें उसको जल्दी ख़त्म कर देता हूं, तेज़ी से पढ़ाऊंगा, बात को सुन लेना आप, समझ लेना ताकि आपका कुछ क्वेश्चन सही हो जाए। शुरू करते हैं मगध से, आधुनिक बिहार के अंदर। इसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। चार वेद हैं, आप जानते हैं अथर्ववेद का संबंध औषधि से है और इसका संबंध किससे है? तंत्र मंत्र और वशीकरण। तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, काला जादू, बंगाली जादू, ठीक है, ये सब चीज़ें अथर्ववेद से संबंधित है। अ से अथर्ववेद, अ से औषधि, ठीक है। तो इसका वर्णन अथर्ववेद मिलता है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही वर्ण का वर्ण, जो चार वर्ण थे पुराने समय में, उसका वर्णन मिलता है, लेकिन मगध का वर्णन अथर्ववेद में, ठीक है। सभी चारों वेदों के बताया था, सब कुछ बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा, बस छोटा सा बता देता हूँ कि बताया था आपको कोड बाऊ BAU, ब्राह्मणाज अरण्यक उपनिषद। ब्राह्मणाज अरण्यक उपनिषद कई हैं, लेकिन जो भी हैं ब्राह्मणाज अरण्यक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़े हैं। चारों वेदों में से किसी न किसी वेद से ब्राह्मणाज अरण्यक उपनिषद जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको सदैव इस एग्जाम में ध्यान रखना है, हमेशा पूछ देता है कि फला वेद का कौन सा ब्राह्मण है, फला वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है, फलाना वेद के अरण्यक का नाम क्या है, उपनिषद का नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको रट लेना है, सब बता चुका हूँ। तो फिलहाल मगध का नाम मिलता है अथर्ववेद में। तो इसमें सबसे पहले हर्यक वंश का नाम आता है। हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी शासक हुए उनके बेटों ने अपने पिता का ही हत्या करके शासन हथिया लिया। जैसे बिंबिसार की हत्या कर दिया उसके बेटे अजातशत्रु ने, लेकिन अपने कर्मों का फल वो भी भुगता। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने उसका भी मर्डर कर दिया और बैठ गया। तलवार के दम पर ही शासन हुआ करता था, प्राचीन काल से ही होता आया है, आज भी, आज तलवार वो ओट के रूप में है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा या जो विधानसभा उसके सीटों के बल पर है, लेकिन ताकत पर ही शासन होता है। कभी तलवार था, आज ओट है। तो बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु, उसकी हत्या उदयन ने किया। अजात शत्रु बौद्ध और जैन दोनों को ही संरक्षण दिया। मैंने आपको बताया था किसी लेक्चर में कि राज्याश्रय में ही धर्म फलते फूलते हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, ब्राह्मण धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई न कोई राजा उसको प्रमोट करता है, जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया, ठीक है। तो कोई न कोई प्रमोट करता है, ऊपर का आदमी, कोई उच्च पद पर बैठा आदमी, तभी वो जाकर फलता फूलता है, अन्यथा व्यक्ति तक सीमित रह जाता है, कुछ समाज है, कुछ चंद लोगों तक सीमित रह जाता है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार, उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार, उसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार तभी हो पाता है जब राज्याश्रय मिलता है। तो सदैव राज्याश्रय मिला, कोई शासक बौद्ध धर्म को प्रमोट किया, किसी ने जैन को प्रमोट किया, किसी ने दोनों को प्रमोट किया। तो अजात शत्रु दोनों वाले में है, इसको ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु बिंबिसार के बेटे, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। बिंदुसार अशोक के पिताजी हैं, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक के पिताजी बिंदुसार, जबकि बिंबिसार अजात शत्रु के। लेकिन ये वंश पहले है, हर्यक वंश तो पहले है, अशोक तो बाद में आएंगे, ठीक है, ये शुरू से चल रहे हैं हम लोग। तो बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, इन्होंने बौद्ध जैन दोनों को प्रमोट किया, और इनके बेटे, अजातशत्रु के बेटे उदयन या उदयन, इन्होंने पाटलिपुत्र को एक तरह से पहचान दिया, लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सुव्यवस्थित प्रसिद्धि दिलवाई मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद हर्यक वंश के बाद, काफ़ी बाद, जब मौर्य काल शुरू हुआ, तब पाटलिपुत्र को वो पहचान मिली,
परंतु सर्वप्रथम उसका उसको लाइमलाइट में लाया उदयन ने, ठीक है, हर्यक वंश का था। एक हर्यक वंश के बारे में कुछ बातें खत्म हो गई। फिर आता है सिसुनाग वंश में सिसुनाग नामक शासक था, उसने वैशाली को राजधानी बनाया, लेकिन सिसुनाग वंश में ही कालाशोक ने वापस पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। फिर आता है नंद वंश। अच्छा, तो ये पूछ देता है कि सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय मगध में किसका शासन था, तो उसका उत्तर होता है घनानंद। अगर चाणक्य सीरियल जो पहले आता था डीडी नेशनल पर, उसको आपने देखा होगा, तो चाणक्य मतलब लड़ाई करते हैं घनानंद से। घनानंद एक उतना अच्छा शासक नहीं था। चाणक यही बोलते हैं कि सामने दुश्मन खड़ा है सिकंदर के रूप में और आप आराम से बैठे हुए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसी घनानंद की हत्या करके उसको अपदस्थ करके मौर्य वंश का नींव रखता है। मौर्य वंश से पहले ये नंद वंश था, तो इसी के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव पड़ी थी। तो एक क्वेश्चन पूछ देता है कि अलेक्जेंडर के समय में किसका शासन था, तो घनानंद। परंतु एक और नंद जो इनका नाम है महापद्मनंद, इन्होंने ही सबसे पहले कलिंग पर विजय किया था। कलिंग आप तो जानते ही हैं ना कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों को जब देखा कि मर गए तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया या बौद्ध धर्म को प्रमोट करने लगा। ठीक है, मतभेद हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म उसमें अपनाया नहीं था, वो तो क्षत्रिय ही था और ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को ही अपनाया था, परंतु शासन के जो काम काज थे उसमें बौद्ध धर्म को प्रमोट करने लगा। तो उसका पर्सनल धर्म अलग था, शासन का धर्म अलग था। खैर जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया। ठीक है, तो अशोक के कलिंग वे मार काट मचाने से पूर्व महापद्मनंद पहला शासक था जिसने कलिंग पर इस तरह की विजय प्राप्त की थी। तो जैसा कि बताया कि घनानंद की हत्या करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो अब हम चलते हैं मौर्य वंश की तरफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक, तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने जो अखिल भारतीय साम्राज्य का सपना देखा था और एक सूत्र में पूरे भारत वर्ष को बांधा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो चीज़ ऊपर उठा और बढ़ता ही गया और मजबूती से वो भारतवर्ष का निर्माण हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, सिकंदर की जब मृत्यु हो गई अल्प आयु में, तो सिकंदर ने अपना सिकंदर के बाद सेल्यूकस हुए। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को भेजा था इनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और हेलेना से शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, आजकल भी किसी चैनल पर आता है सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें सब चल रहा है, दिखाता रहता है। अच्छा, इनके बेटे हुए बिंदुसार। बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात या शत्रुनाशक, उसका मतलब होता है। पूछ दिया था कि अमित्रघात किसका नाम, पूछ देता है कि फला नाम किसने धारण किया था। ठीक है, इनके बेटे अशोक हुए। अशोक जो नाम है, पूछ देता है कि कहाँ से पता चलता कि अशोक नाम था, तो मस्की, कई शिलालेख इनके थे, मस्की जगह पर जो मस्की नामक जगह पर जो शिलालेख था उसे पता चलता है कि इनका नाम अशोक था, और इसी मस्की शिलालेख से ही जिए और जीने दो का कॉन्सेप्ट सामने आता है जो अशोक ने अपना लिया था हृदय परिवर्तन के बाद। अच्छा, तो हमने मगध का अभी तक समझ लिया कि हर एक वंश आया, उसके बाद करते करते फिर आया नंद वंश, फिर मौर्य वंश का शुरुआत हुआ। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि जो हर्यक वंश में अजात शत्रु था उसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और बाद में जो सिसुनाग वंश आया उसके बाद उसमें जो कालाशोक हुआ उसके अंतर्गत द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो अजात शत्रु प्रथम और कालाशोक सेकेंड बौद्ध संगीति। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद चार बौद्ध संगीतियाँ हुई। ठीक है,
तो ये नाम पूछ देता है, उसका कोड होता है AK AK, अजात शत्रु, काला शोक, और तीसरा और चौथा एक ही क्या है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो बौद्ध संगीति का नाम सदैव ध्यान रखें, पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में, दूसरा बौद्ध संगीति काला शोक के समय में। अब बात करते हैं अशोक की, थोड़ा सा तो ये सवाल पूछ देता है कई बार कि तमाम चार ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा साम्राज्य अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका उसका उत्तर होता है। श्रीलंका में अपने बेटा बेटी को अशोक ने जरूर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन उसको मिलाया नहीं था अपने में। लेकिन अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये सब चीज़ें अशोक के साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, अशोक के शिलालेख कुछ हुए जिसमें से पूछ देता है कि फला चीज़ का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो जैसे दक्षिण भारतीय राजाओं राज्यों का उल्लेख किस में मिलता है, तो आपका उत्तर होगा सेकेंड, दूसरे मुख्य शिलालेख में। शिलालेख दो तो प्रकार के थे, एक बड़े एक छोटे, तो बड़े वाले को मुख्य बोल देते हैं, छोटे वाले को एक सामान्य तरह का बोल देते हैं। तो जो मुख्य मुख्य शिलालेख थे उसमें जो दूसरा शिलालेख था उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी पूछ देता अशोक के बारे में कि प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। ठीक है, फिर ये पूछता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था लेकिन हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा था, इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण ये है कि उसने देवनाम प्रिय, मतलब देवताओं को प्रिय, ऐसा व्यक्ति जो देवताओं को प्रिय था, देवगणों को प्रिय था, देवनाम प्रिय की उसने उपाधि धारण की थी, इसे स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में उसने आस्था छोड़ी नहीं थी, हिंदू और बौद्ध दोनों को लेकर चलता था। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं कि अशोक के सब शिलालेख कौन कौन से थे। तो 14 कुल बृहत शिलालेख या मुख्य शिलालेख हैं और 13 लघु शिलालेख हैं। तो बृहद वाले का ही पूछ लो, सेकेंड तो बता ही दिया आपको, दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है सेकेंड बृहद शिलालेख में। और जहाँ तक पहले बृहद शिलालेख का बात है उसमें पशु हत्या निषेध की बात मिलती है, और सेकेंड में दक्षिण भारतीय राज्य और उसके साथ साथ समाज कल्याण के कार्य का भी उल्लेख मिलता है। पांचवें बृहद शिलालेख में धम्म महामात्य, सातवें और बारहवें में सहिष्णुता की बात मिलती है, और तेरहवें में कलिंग युद्ध की बात मिलती है। जहाँ तक लघु शिलालेख की बात है तो अहरौरा में, उत्तर प्रदेश में अहरौरा में पाया गया है, और मध्य प्रदेश में रूपनाथ और गुर्जरा में पाया गया है। तो सीधे यही पूछ देगा कि गुर्जरा अभिलेख किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। रूपनाथ किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यही सब पूछ देता है इसमें। और क्या समझना है अशोक के बारे में, समझ लिया, सारनाथ स्तंभ का निर्माण उसने किया था। ठीक है, और जो सांची का स्तूप था उसको भी अशोक ने बनवाया था, सांची के स्तूप को ही बहुत महा सबसे महानतम स्तूप माना जाता है। सांची के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे अगली स्लाइड्स में हम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए कि बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म की भाषा पाली, बौद्ध साहित्य पाली में लिखे गए हैं, जबकि जैन साहित्य प्राकृत में लिखे गए हैं, परंतु ठीक है, बौद्ध पाली जैन प्राकृत में, परंतु अशोक का ये सब जो लेख है वो लिखा गया है प्राकृत में। बताया ना कि बौद्ध पाली में है लेकिन अशोक भी बौद्ध अपनाया है, परंतु उसके जो शिलालेख के जो भाषा है वो प्राकृत में है, जबकि प्राकृत जैन का है। ठीक है, तो बौद्ध जैन ध्यान रखिए याद करने के लिए, बौद्ध जैन पाली प्राकृत, बौद्ध जैन पाली प्राकृत ऐसे दिमाग में आपके होना चाहिए, परंतु अशोक का जो शिलालेख है वो प्राकृत में है। ठीक है, प्राकृत में है। तो यही पूछता कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख, भारतवर्ष में पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख जो खुदे गए हैं वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। क्यों प्राकृत भाषा में, क्योंकि अशोक का ही तो प्रथम है, अशोक से पहले कहाँ किसी को पता है। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है वही तो प्राचीनतम साक्ष्य हैं शिलालेख के, तो और वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और ये भी पूछ देता है कि अशोक के जो शिलालेख थे उसकी भाषा को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप,
जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आप जानते हैं कि हड़प्पा काल में भी तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किए हैं, परंतु अब अशोक के जो शिलालेख हैं उसको हम पढ़ पाए हैं, और जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था। उसके बाद तो आज के डेट तक तमाम वैज्ञानिक, तमाम जो विद्वान हैं, उन्होंने पढ़ने में सफलता पाई होगी, लेकिन सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। और अशोक के जहाँ तक शिलालेख की बात है, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों ही प्रकार की लिपियों में वर्णन है, और ये पूछ देता है कि जहाँ पर ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर वाले में है, और कौन सी लिपि राइट से लेफ्ट लिखते थे, तो खरोष्ठी लिपि है, ठीक है। फिर ये पूछता है कि अशोक का अपने शिलालेखों में जिस नाम से उल्लेख हुआ है, वह नाम क्या है, तो उसका उत्तर होता है प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये सब इसके अशोक के संबंध में मेन मेन पॉइंट्स थे। और ये भी पूछ देता है कि बुद्ध के जन्म से संबंधित अशोक का स्तंभ कौन सा है, तो अशोक का जो रुमिनदेई स्तंभ है, रुमिनदेई, वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और ये तो बता ही दिया कि अशोक नाम कहाँ मिलता है, तो मास्की अभिलेख में। तो हमने समझ लिया कि अशोक के शिलालेख के बारे में, कि शिलालेख उसके दो प्रकार के थे, एक बड़े वाले, एक छोटे वाले। शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ। आप कभी गुजरात में गिरनार में जाइए, गिरनार एक जगह है गुजरात में, वहाँ एक बहुत बड़ी सी चट्टान है, ठीक है, बड़ी सी चट्टान है, एक बड़ा सा कमरा बनाकर चट्टान को घेर दिया गया है, उस पे अशोक का सब खुदा हुआ है, ठीक है, अशोक के समय का। तो वही शिलालेख, शिला मतलब चट्टान पर खुदा हुआ, लेकिन स्तंभ मतलब खंभा, खंभे पर भी, ठीक है, जो भारत का जो सारनाथ में है, ठीक है, अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ, तो वो खंभा भी था अशोक का, खंभा भी बनवाया था उसने, शिला पर भी खुदवाया था। तो जहाँ तक खंभा या स्तंभ लेख का सवाल है, तो उसमें सात हैं, सात बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं, सात बड़े बड़े हैं। तो बड़े बड़े में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो मेरठ और टोपरा में, मेरठ और टोपरा नामक जगह पर पहले था इसका एक स्तंभ लेख, लेकिन फिरोज शाह तुगलक उसको उठाकर, मेरठ वाले को और टोपरा वाले को उठाकर दिल्ली ले आया, फिरोज शाह तुगलक उसको उठाकर, तुगलक वंश का, सल्तनत काल का, दिल्ली इसको उठाकर ले आया। एक और ऐसे ही बृहद स्तंभ लेख प्रयाग में था, प्रयाग में, इलाहाबाद में, प्रयाग में था, तो लेकिन अकबर उसको उठाकर ले आया इलाहाबाद के किला में, अकबर का किला है ना इलाहाबाद में गंगा किनारे, तो अकबर ने उसको उठाकर इलाहाबाद के किला में ले आया। और वो जो प्रयाग का बृहद स्तंभ लेख है, उस पर समुद्रगुप्त का भी वर्णन है, समुद्रगुप्त का भी नाम है, जहांगीर का भी नाम उस पर बाद में पड़ा, और बीरबल का भी नाम है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सीधे पूछ देगा कि प्रयाग का जो बृहद स्तंभ लेख है, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा उस पर किसका नाम है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, तो आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। कैसे याद रखोगे आप, समुद्र मतलब पानी और प्रयाग मतलब गंगा जी, ठीक है, तो दोनों ही पानी पानी पानी, समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल का भी नाम है। और तो बताने के सात स्तंभ हैं। तो एक और स्तंभ की बात करते हैं, लौरिया नंदनगढ़ में, तो इसमें मयूर का चित्र बना हुआ है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि मौर्य मतलब मयूर से, मोर से संबंधित है, तो मयूर का चित्र लौरिया बृहद स्तंभ लेख पर बना हुआ है। रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है, बहुत ही यूनिक है, रामपुरवा में दो स्तंभ लेख थे, बहुत यूनिक इसलिए है कि इसके जो स्तंभ मतलब खंभे के जो ऊपर, खंभे के शीर्ष पर शेर ना होकर के बैल है, अशोक के जो स्तंभ हैं उसमें ऊपर शेर बना हुआ है, शेर की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन रामपुरवा वाला जो स्तंभ लेख है उसमें शेर ना बनकर के बैल बना हुआ है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे मौर्य काल समाप्त हो गया, अशोक बहुत बड़ा शासक था, उसके बाद के शासक उतने सक्षम न हुए, और अशोक ने बाद में, आप जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया,
और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही अपना जीवन बिता दिया। तो राज्य की सुरक्षा, सैनिकों की नियुक्ति, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होता था, शांति का काल आ गया एक तरह से। सैनिक भी कमज़ोर पड़ गए, किसी को आदत नहीं रहा लड़ाई झगड़ा करने का, तो कोई आक्रमण कर देगा तो बचेंगे नहीं बचेंगे, तो किसी ने आक्रमण कर दिया होगा, मौर्ययुग ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद मौर्योत्तर काल आया। मौर्योत्तर काल में तमाम देसी राजा हुए, तमाम विदेशी राजा हुए। पहले देखते हैं देसी राजाओं के बारे में। अच्छा, तो थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि हर्यक वंश था, ठीक है, उसके बाद करके धीरे धीरे नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आता है। लेकिन मौर्य वंश के बाद कौन कौन आए, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर आंध्र में सातवाहन प्रमुख हैं। तो पहले देखते हैं, तो ये समझ लेते हैं पहले कि जो मौर्योत्तर काल में देसी राजा हुए वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हुए। जान गए आप ना कि अजात शत्रु बौद्ध और जैन दोनों को संरक्षण दिया, अशोक बौद्ध को संरक्षण दिए, ठीक है। जो कलिंग वंश का उस समय था, अशोक के समय में खारवेल, उसने जैन को संरक्षण दिया। लेकिन मौर्योत्तर काल में जो देसी राजा हुए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। तो इसमें देखते हैं पहले शुंग, तो शुंग में पुष्यमित्र, तो पुष्यमित्र में दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए, और पुष्यमित्र की दूसरी बड़ी उपलब्धि ये थी कि सांची, जो सबसे महान स्तूप माना जाता है भगवान बुद्ध का, सांची स्तूप में जो लकड़ी की वेदिका बनी हुई थी, उस लकड़ी को हटाकर उसने पत्थर की वेदिका बनवाई, जो आज तक है, जो आज के डेट में है। तो पुष्यमित्र ने करवाया था। पुष्यमित्र कौन? शुंग वंश का। शुंग वंश कौन? जो मौर्य के ठीक बाद आया। इसके बाद कण्व वंश, इसमें कुछ ऐसा जानने की जरूरत नहीं है। फिर साउथ इंडिया में सातवाहन और चेदी वंश हुए। सातवाहन, स से सातवाहन, स से सीसा। पूछता है सीसे का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया भारत में, तो सातवाहन राजाओं ने चलवाया। सातवाहन में एक प्रतापी राजा हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख में इसका नाम अद्वितीय ब्राह्मण बताया ना, कि मौर्योत्तर काल में जितने देसी राजा हुए सब ब्राह्मण धर्म के पालन पोषण किए, उसको संरक्षित किए। तो सातकर्णी को इसके महान कार्यों की वजह से अद्वितीय, अनमैचेबल ब्राह्मण का उपाधि दिया गया, और ये उल्लेख इसका, इस बात का उल्लेख है नासिक अभिलेख में, ठीक है। और कलिंग में, कलिंग के जगह पर चेदी हुआ, चेदी में खारवेल साहब हुए, खारवेल ने नहर विस्तार किया कलिंग तक, ठीक है, ये अभिलेख में मिलता है। खारवेल ने नहरों का जाल बिछाया, नहरों का विस्तार किया कलिंग तक। इसके बाद वाकाटक, चालुक्य, ये सब आए। अब समय नहीं है, मेन चीज़ें छू रहा हूँ, ठीक है, पूरा थीम आपको समझा दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, इसमें विदेशी राजाओं में चलते हैं। मौर्योत्तर में देसी हो गया, विदेशी राजाओं को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हिंद यवन या इंडो ग्रीक, यवन मतलब ग्रीक, आज का जो ग्रीस है, जो आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है ग्रीस, ठीक है। तो हाँ, ये पूछ देता है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के भारतवर्ष में किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक आपका उत्तर होगा, इंडो ग्रीक, ठीक है। इसी में मिनांदर या मिलिंद, तमाम राजाओं का हमने भारत, उसके नामों का भारतीकरण कर दिया था, तो मिनांडर को भारत में मिलिंद के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए, ये सब थे विदेशी लेकिन सब भारतीय हो गए थे, ये सब भारतीय हो गए, मुगल भी भारतीय हो गए, जो भी भारत में आया सब अंततः भारतीय हो गया, अंग्रेज भारतीय ना हुए, इसीलिए भगा दिए गए मारपीट कर, ठीक है। इस देश में जो भी आया सब यहीं का बन जाता है, जो नहीं बनेगा यहाँ का वो ख़त्म हो जाएगा, सीधी बात है। हिंद यवन, उसके बाद शक, ठीक है, शक, उसके बाद उत्तरी क्षत्रप, दक्षिणी क्षत्रप, ये दो हुए। तो उत्तरी क्षत्रप में, उत्तरी क्षत्रप क्या हुए कि ये विक्रमादित्य से पराजित हो गए, ठीक है, और तक्षशिला, विक्रमादित्य से पराजित होकर तक्षशिला और मथुरा में बस गए। दक्षिणी क्षत्रप का जहाँ तक सवाल था, तो भारत, दक्षिणी क्षत्रप मतलब भारत के दक्षिण में तक्षशिला मथुरा ऊपर हो गया ना, तक्षशिला आज आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है, और मथुरा भी उत्तर में आ गया। जहाँ तक दक्षिण का सवाल था, नासिक, उज्जैन, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में,
ठीक है, तो दक्षिणी क्षत्रप नासिक उज्जैन में बस गए और इसी में हुआ रुद्र दामन। अच्छा, रुद्र दामन का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुजरात, आप जानते हैं गुजरात महाराष्ट्र का ये सब जो इलाका है सूखा ग्रस्त रहता है, किसान आत्महत्या करते हैं, तो आज से सूखा नहीं है, ये प्राचीन काल से ही सूखा उसमें पड़ता है, पानी की कमी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए कि पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था अंग्रेजों के ज़माने में, तो यही बॉम्बे स्टेट को विभाजित करके महाराष्ट्र बना और गुजरात बना। ठीक है, तो बॉम्बे स्टेट से ही महाराष्ट्र गुजरात बना है, दोनों ही राज्यों का जन्मदिन एक ही है, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस इलाके में पहले भी पानी की कमी थी, आज भी है पानी की कमी, किसानों की समस्या है, तो जल प्रबंधन का अच्छे से व्यवस्था हो, झील बने, बांध बने, इसके लिए बहुत पहले से प्रयास कर दिया गया था। किसके द्वारा? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और बाद में मौर्योत्तर काल में इसी रुद्र दामन ने उस झील का मरम्मत करवाया था, उसमें कुछ समस्या आ गई थी, झील में बांध में समस्या आ गई थी, तो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन रिपेयर करवाया, मरम्मत करवाया रुद्र दामन ने। तो ये UPSC से पूछ चुका है एक दो बार, अति महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। इसके बाद पार्थियन राजा आए, फिर कुषाण आए, कुषाण इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछ जाता है कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए, सबसे प्रथम स्वर्ण सिक्का हिंद यवन ने, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का और रेगुलर तरीके से स्वर्ण स्वर्ण सिक्का, नियमित स्वर्ण सिक्का और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का कुषाण कुषाण ने चलवाया। लेकिन इसके समय में कुछ गलत चीज़ें भी हुई, जैसे बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई कुषाणों के समय में। अच्छा, तो कुषाण ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलवाए, रेगुलर सिक्के चलवाए, लेकिन कुषाण में भी सबसे पहले स्वर्ण किसने चलवाया, तो उसका उत्तर होता है विम कडफिसेस कुषाण वंश का वो राजा जो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलवाया। लेकिन ध्यान रखिए, इससे पहले ही स्वर्ण सिक्का चल चुका है इंडो ग्रीक में, ये तो रेगुलर किए हैं। अच्छा, तो कुषाण में ही, क से कुषाण, क से कनिष्क, तो कनिष्क के समय में मथुरा और गंधार कला की जो प्रसिद्ध शैली है वो इसी के समय में विकसित हुई। तो जो गंधार शैली था उसमें शिष्ट शिष्ट नामक पत्थर, शिष्ट जो कि थोड़ा सा हरापन लिया हुआ पत्थर होता है, पत्थर का फोटो लगा दिया हूँ, तो इसी से गंधार शैली के जो मूर्तियाँ हैं उनका निर्माण हुआ है, जबकि मथुरा में बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, तो मथुरा में लाल बलुआ पत्थर, गांधार में हरा हरा पत्थर, लेकिन दोनों ही जो शैलियाँ हैं वो कनिष्क के समय में प्रचलित हुई। और कनिष्क कौन? कुषाण वंश, क से कनिष्क, क से कुषाण। दूसरा पूछ देता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने सालों का अंतर है, तो 135 सालों का अंतर है। कैसे 135 निकलता है? क्योंकि विक्रम संवत शुरू हुआ 57 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष के पहले ही विक्रम संवत शुरू हो गया। तो आज के डेट में पूछेगा विक्रम संवत कितना है, तो 2017 में आप 57 जोड़ दीजिए। शक संवत पूछता, तो शक संवत ईसा मसीह के 78 वर्ष के बाद शुरू हुआ, विक्रम उनके जन्म के 57 साल पहले ही, लेकिन शक उनके जन्म के 78 साल बाद। तो आज पूछेगा कि आज के डेट में शक संवत के कितने साल हो गए, तो 2017 में से 78 आप घटा देंगे, तो 78 57 को आप जोड़ेंगे ना, तो उसका जो अंतर है 135 साल का आता है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि दोनों में अंतर कितना है, तो 135 साल। तो ये सब समझ लिया हमने कि हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ, उसके बाद मौर्य काल आया, ठीक है, मौर्य काल खत्म हो गया, उसके बाद मौर्योत्तर काल आया, मौर्योत्तर काल में सुंग आए, फिर कनु आए, फिर आंध्र आए, आंध्र में सातवाहन हो गया, ठीक है, मौर्योत्तर में भी देशी विदेशी सब समझ लिया। इसके बाद आता है गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल, इसको अभी उतना लंबा नहीं खींचूँगा, इसी के अंतर्गत हम तमाम चीज़ों को समझेंगे कला संस्कृति वाले लेक्चर में, जिसमें अभी एक ही लेक्चर हुआ है, यहाँ पर छोटा सा करके इसको समाप्त करते हैं।
तो गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में कह लीजिए, गुप्तोत्तर काल में नगरों का क्रमिक पतन शुरू हो गया। आप जानते हैं कि हड़प्पा कालीन संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, उसके बाद आर्यों का आक्रमण हुआ, उसके बाद सब कुछ गांव में बदल गया, सब कबीला संस्कृति हो गया ना, गांव हो गया। जो हड़प्पा काल में नगर था वो बाद में गांव बन गया, फिर बाद में फिर से नगर बनता है। कैसे फिर से नगर? वही 16 महाजनपद वाला, 16 महाजनपद के समय तो महाभारत की कथा है। महाभारत आप देखे हैं कि नहीं सीरियल में? तो उसमें नहीं बड़े बड़े महल रहते हैं, ठीक है, कौरव पांडव महल में तो रहते हैं, सब नगरीय संस्कृति हो गई थी, गांव नहीं था, ठीक है। तो हड़प्पा में नगर, फिर आर्य के समय फिर से गांव, फिर से नगर, और यहाँ पर फिर से गांव हो गया, ठीक है। तो गांव शहर ये सब चलता रहता है। और गुप्त काल में आप जानते ही हैं, ठीक है, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य शक विजेता कहते हैं उनको, उन्होंने शकों को हरा दिया था, शक को हरा दिया था, और इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया था, ठीक है। पूछ देता है कि विक्रमादित्य ने कौन कौन सिक्का चलवाया था? चांदी का सिक्का चलवाया था इन्होंने, और सोने का सिक्का चलवाया था। चांदी के सिक्के को रूपक, सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, ठीक है। तो विक्रमादित्य का हो गया, और इनके बाद स्कंदगुप्त आए साहब। तो स्कंदगुप्त के समय में हूणों के आक्रमण का डर था, हूणों ने काफ़ी इनको छिन्न भिन्न कर दिया। हालांकि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया और हूण विजेता कहलाए, उसके बावजूद इसी के समय से गुप्त काल का पतन शुरू हो गया। और इन्होंने हूण को हराया था, इसका जानकारी मिलता है भीतरी नामक जगह पर जो स्तंभ लेख है जो गाजीपुर में है, उससे जानकारी मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूण को हरा दिया था। तो दोस्तों इस तरह से संक्षेप में मैंने एक प्राचीन इतिहास का 24 सितंबर से पहले एक लेक्चर ले लिया, पूरा तो नहीं मैं कह सकता, फिर भी तमाम महत्वपूर्ण बिंदु, जो पूरा थीम था, जो क्रमिक थीम था, वो मैंने आपको समझा दिया। किताब से पढ़ कर बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा, आप समय नहीं बचा, जो मेन मेन चीज़ें हैं उसी को देखिए, ठीक है। तो एक तरह से इतिहास ही समाप्त हो गया आपका 24 सितंबर से पहले का, जहाँ तक सवाल है। मध्यकालीन में मैं मुगल नहीं पढ़ा पाया और विजयनगर नहीं पढ़ा पाया, और जहाँ तक आधुनिक का सवाल है, एक छोटा सा लेक्चर बनाया था 20 मिनट में, संपूर्ण आधुनिक इतिहास, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास में कई लेक्चर मैंने लिया, उसको समय मिलेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब करेंट के एक दो लेक्चर और अपलोड करूँगा, अब समय नहीं बचा है, काफ़ी लेक्चर हुए हैं, लाइन से आपने फॉलो किया होगा तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि करेंट का होगा। तब तक के लिए नमस्कार।